Now we are discussing how does hydrogen is being displaced from the water by Now water is highly slightly ionized. What does we mean by ionized? सबसे पहले ये पता होना चाहिए. Does we know that meaning of ionized? Yes, sir. Sir, it has two ions of hydrogen. How does ions are formed? You tell me. कुछ logic याद है? Yes or no? Don't reach a time. Yes or no? Fast. No. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लूज कर दिए, तो उसने पॉजिटिव आयंस बनाए और जिसने गेन कर लिए उसने ठीक है. ये बात क्लियर है हमारी? यस सर. पक्का? यस सर. ओके, अब इसके बाद अब हाइड्रोजन जो है, वाटर जो है आपका, आई डोंट वांट टू टेक दिस, इट इज एच टू ओ. ये एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ओ एच इस फॉर्म में होता है. यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था और उसने वो क्या कर दिया, हाइड्रोक्साइड को दे दिया और उनके साथ क्या बना दिया, बॉन्डिंग बना दिया, बन गया वाटर. तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर इसको वापस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए. लेकिन जनरली केमिस्ट्री में या एक नेचर में बैठे की हम किसी को दोबारा से एटम नहीं बना सकते. वो कहता भाई मैं इसके साथ बैठ के स्टेबल हूं, मैं क्यों जगह खाली करूं. हाइड्रोजन भूखा था, हाइड्रोजन के पास क्या था, ऐसा था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोक्साइड के पास भी कुछ एक इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए था, राइट. ओ के पास सिक्स थे, सेवन थे टोटल इनके पास. समथिंग इज हैपनिंग देयर टुडे. कोई मेरे को तेज से डर लगता है, तो कुछ भी कर सकती है. 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था और ये कहता है कि हाइड्रोजन के पास फंडा क्या है, कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में के शेल है. हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? के. तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी, डू वी रिमेम्बर? यस. पेन का इशू नहीं है यार. के के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? डू वी रिमेंबर इट? टू. के के मैक्सिमम शेल में टू आ सकते हैं. अगर ये दो के दो गायब हो जाए तब भी वो रिलैक्स है, या हाइड्रोजन को एक और मिल जाए, दो आ जाए, तब भी वो स्टेबल है, हीलियम की कॉन्फिगरेशन ले लेगा, कुछ ऐसा सा होगा. अब यहाँ पे ये चीज है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको चाहिए, इसका दो कंडीशन है, या तो मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरे पास दो आ जाएगी, या मैं, राइट. अब हाइड्रोजन ने इसको एक लूज करके ये बोला है, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, राइट. इसने क्या कर दिया, ये लूज कर दिया. तो हाइड्रोजन प्लस है और OH माइनस है. ये जो आयनिक बॉन्डिंग होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. अब हाइड्रोजन कहता अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. अगर अब कोई मेटल, कोई भी चीज अगर बोले हाइड्रोजन को तो साइड हो जाता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को स्टेबल करना पड़ेगा. हाइड्रोजन भाई मैं तेको पूरे दो दे देता हूँ, तो यहाँ से हट जाओ, समझ रहे बात. लेकिन लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो क्या है, क्लास के बदमाश है. क्लास के कौन है? बदमाश. अब हाइड्रोजन जब मेटल एक हाइड्रो, अब ये H एंड OH ऐसा था और यहाँ पे एक मेटल आ गया जो अच्छे रिएक्टिव मेटल्स में से एक है, X. अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन अपना देना है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन देना है. तो लेकिन जो कंडीशन ये होती है कि हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकता. हाइड्रोजन क्यों हटे? हाइड्रोजन भाई मेरा पेट भरा हुआ, मैं क्यों दूं? मेरे पास एक पेन है, मैं तेरे को नहीं दूंगा मेरी क्लास में, मेरे को भी काम करना है, पेपर है, मेरे पास एक पेन है, मैं नहीं दूंगा, ऑब्वियस है. लेकिन अगर मुंडा कहते भाई देना पड़ेगा, तो 12 दिन पहले लड़के खड़े हैं, भाई कोई नहीं अगले साल टेंथ कर दूंगा, लेकिन जिंदा रहना, एक सिंपल, राइट. आप क्या करोगे, या सपोज मैं आ रहा हूं, पेन दो मुझे, आप बिना कुछ बोले चुपचाप दे दोगे, भाई पेपर छोड़, सर ने मांगा है, एक रिस्पेक्ट के तौर पे आप मुझे दे देंगे, ऐसा ही होगा. यहाँ पे ये एक्स मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो फोर्स करते हैं कि हाइड्रोजन जो तूने इलेक्ट्रॉन दिया वजन को, वो हम तेरे को वापिस कर रहे हैं, हम तेरे को अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन तेरे को दे रहे हैं. तू जो प्लस था, हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां से देखो, पहले एक्स ने क्या किया,
एक्स, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक्स पॉजिटिव बना, और वो जो हाइड्रोजन यहाँ पे स्टेबल हो गया था, जो प्लस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, उसको ये इलेक्ट्रॉन वापस मिला किससे? फ्रॉम एक्स से, और ये बेचारा हाइड्रोजन फिर से अनस्टेबल हो गया। अब जैसे ही अनस्टेबल हो, इसने फिर अपने दूसरे हाइड्रोजन भाई को बोला, भाई तू आ जा, नहीं तो मेरे अंदर आग लग जाएगी, है ना, इसके गर्मी बहुत है ना, पटपट करके फटता है। तो इसने फटाफट दूसरा हाइड्रोजन साथ कंबाइन करके H2 बनाया। ये बात क्लियर हुई? तो ये हर मेटल नहीं कर सकता, ये वो कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो इसलिए हमारे कुछ मेटल्स जो है, दे आर मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दे कैन फोर्सफुली। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर में हाइड्रोजन को पीट पाड़ देते हैं, पोटेशियम, सोडियम, राइट। कुछ ऐसे हैं जो बेचारे गुंडे के साथ रहते हैं, लेकिन प्रॉपर गुंडे बने नहीं है, जब तक उनको आग ना लगाई जाए, आग कैसे, डर गया तो हाइड्रोजन से तो हटा नहीं सकता, करके देख भड़का दिया उसको, मतलब यू प्रोवाइड देम द सूटेबल कंडीशन, ठीक है ना। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज आपकी शो होती है, बहुत गुंडे, मॉडरेट गुंडे, थोड़े कम गुंडे, और बेचारे सीधे साधे मेरी तरह जो कहते हैं भाई रहने दे, हम अपना जी लेंगे, हंस मत इस बात। So you do we understand why does some metals can displace hydrogen and some cannot? The highly, अब इसकी proper language क्या है? The metals are slightly ionized, I am saying ionized. Water is slightly ionized in the form of hydrogen plus ions and OH, hydroxide negative. Where hydrogen ions has loses one electron, hydrogen atom has loses one electron and two hydroxide. Right? यहाँ तक clear? Some highly reactive metals have more energy, much more energy, and with that energy, they forcefully loses their gives their electron to the hydrogen ion to make it hydrogen atom and takes its place or displaces it from that water. And that's why they form metal hydroxide or metal oxide. वो condition उनकी reactivity series पे है। ये concept समझ आया सबको? Yes sir. Everybody, anybody got the? आज फिर तुम्हारा हो रहा है ना? Whenever we try to take the good class, like energy के साथ करने की कोशिश करते हैं, ये कुछ ना कुछ हो जाता है। कौन जादू दोनों कर रहा है? Okay. Now you can read this. इसके लिए एक ही सिस्टम करना पड़ेगा। Restart. I will. No. Both fully match. If I switch on the fan, there is a lot of disturbance in the audio output. You know, we have the highly specialized system. $4,000 का mic है हमारा. मैं तो कह रहा हूँ, give us 2,000 में PTZ camera और उसके साथ एक अच्छा सा road का देना चाहिए ना उनके पास जो है. देखें किसी ने उनके mics? हाँ? TV पे अगर ध्यान दो तो road के अच्छे होते हैं. 25-30,000 के आए भाई. So, do you want to add, give some contribution? अब जब तुम इसके नोट्स बनाओगे ना, इस पार्ट को स्टार बना के एक कलर से, बाय मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, और उसके अंदर लिखो, जिससे कि आपको रीडेबिलिटी में मजा आए। 500 घर वालों से 200-300 का हर बच्चा खर्चा कराएगा कलरफुल पेन लाने में। कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे हाँ, मैंने देखो एक की तरफ देखा भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। It is not wasted time. आप समझे नहीं? मैं जब PPTs बनाता हूँ ना, मुझे सब आता है, लेकिन मैं PPTs बनाता हूँ, 2-3 बुक्स सामने रखता हूँ, उसको रेफर करता हूँ, फिर लैंग्वेज चेंजेस करता हूँ। तो जब मैं वो लिखता हूँ ना, वो पॉइंट्स मेरे माइंड में ना कई टाइम्स बेटर क्लियरिटी से और आते हैं। When you form your own language and try to make some creative notes, तो वो टाइम वेस्ट आपको लगता है, लेकिन उससे आपकी रट्टाफिकेशन कम होकर लॉजिक्स पे आ जाते हो, और आपको पेपर के टाइम जो ट्रिकी क्वेश्चन, केमिस्ट्री इज ऑलवेज ट्रिकी, एक्स है ढूंढो, ये क्या है, इसका एक्स ढूंढो, उसका वाई, तो आपको वो सेंस आनी चाहिए, इमीडिएटली स्विचिंग, वो यहाँ हेल्प करेगी। मैं फिजिक्स में होता, फिजिक्स रेटाफिकेशन है, न्यूमेरिकल समझ आने चाहिए और बाकी डेफिनेशन है, वहाँ पे आपको यू हैव टू बी, बट केमिस्ट्री इज नॉट फॉर द स्मार्ट पीपल एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट।
and it depends on you if you are smart. You are smart or not? Nobody believes it. Should we move ahead, guys? Yes, sir. Okay. तो सेम चीज अब एसिड्स में भी क्या हो रही है एसिड्स के अंदर अब देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स भी डाइल्यूट है डाइल्यूटेड एसिड से मतलब तो याद है मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर देन एसिड जब कॉन्सेंट्रेशन तुमने बोला था उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं बोलना चाहिए क्यों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या हुआ यही तो हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर नहीं लॉजिक क्लियर नहीं है बिल्कुल क्लियर नहीं है कैन यू हेल्प अस यूट्यूब पे करोड़ों लोग सुन रहे हैं ज्यादा पास है ना पिंपल सिख जाते अरे कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है तन्वी शट अप साइंस की लैंग्वेज ना यूज करो मेरे आगे लॉजिक पता नहीं है दृश्य मुंह नीचे करके बैठने से फायदा नहीं आंसर आता है यस और नो वेरी गुड कंसेंट्रेटेड एसिड और दोस एसिड इन व्हिच द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस व्हिच वी आर एडिंग इज मोर देन द इनवॉल्व क्लैप फॉर हिम वो एसिड जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है उसको क्या कहेंगे कंसेंट्रेटेड और जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी कम है उसको कंसेंट्रेटेड और जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है डाइल्यूट यार कितनी बार किया है यार क्या पढ़ रहे हैं आप लोग ये एसिड बेसिक सॉल्ट्स का पार्ट है इट वाज लाइक 8th में भी था हमारा एसिड बेसिक्स के ऊपर चैप्टर उसमें भी किया होगा तुम लोगों ने ओके अब देखिए व्हाट आर द एसिड्स एसिड्स आर टू सब्सटेंसेस व्हिच हैज वेयर द वन नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन एटम लेकिन कुछ नॉन मेटल के साथ वो क्या करता है उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसमें से एक आपका जैसे हम तीन एसिड बहुत सारे एसिड है लेकिन हम तीन के बारे में ज्यादा बात करते हैं नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक लेट अस टॉक अबाउट HCl और H2SO4 इसके बाद कोई भी मेटल X दिया जो बहुत रिएक्टिव है अब वही बात आ गई दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन दे विल फोर्स अब यहां पे हाइड्रोजन ना यहां पे भी सेम कंडीशन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस में है राइट और ये नेगेटिव तो हाइड्रोजन ये मेटल्स क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली लूज करके दे देंगे ले भाई हाइड्रोजन तू दोबारा से H बन जा So, whenever a metal reacts with an acid, they forms salt along with hydrogen. And they displaces the hydrogen. And why does it displace it? Because reactive metals forcefully loses their electrons to the hydrogen ion to make ions into hydrogen atoms. Hum isko bhi keh sakte hain reduce kar diya. It reduces the hydrogen ions into hydrogen atoms. Clear hai? Yes. Okay. When metals add to dilute acid, they usually displace hydrogen from the acid and form salts and hydrogen ions. But only hydrogen जो नीचे के reactive metals हैं अभी जैसे हमने reactivity series एक छोटी सी format की थी बोलना please वाला please stop उसको बोलने दे please stop calling me careless zebra instead learn how proper safe okay तुम बोलो zebra की जगह zoo please stop calling me a careless zoo Instead, learn how copper saves you. Okay. तुम बोलो जैक. Please stop calling me the careless Jack. Instead, learn how copper saves you. ये electricity से याद है? Yes, sir. ठीक है. भाई जैक किसको कहते हैं पता है? ये सिर्फ दो ही एसिड के साथ हम करते हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी आपका मिनरल एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी बोल लो, बट उसके साथ नहीं होता क्योंकि उससे इतनी एनर्जी निकलती है और साथ में वो दोबारा से रिएक्ट होता है, हम उसके आगे पढ़ेंगे। सो सल्फ्यूरिक एसिड व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, बट इन द कंडीशन दे मस्ट बी डाइल्यूटेड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपने पूरा पहले एसिड बेसिस सॉल्यूशन कर लिया है, लेकिन वही कंडीशन है जो बहुत ज्यादा रिएक्ट मेटल बुड़ करके आग रिएक्ट हो देंगे, कुछ मेटल धीरे 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 रिएक्ट हो गए और कुछ मेटल हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। कौन से मेटल है जो कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तुम बताओ, तुम बताओ। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, क्या हो गया तुम्हें? क्लियर है? बोरिंग तो नहीं हो रही क्लास? हर्षित, रीत, इशिका, सो रिएक्शन ऑफ मैटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं हमें। देखो यहाँ पे, Oh my God, ये जरूर सोडियम में पोटेशियम होंगे, बदतमीज यही है जो जहां जाते हैं ना तब, ये पता कौन है? ये उस घर के शैतान बच्चे हैं जो घर वाले रिश्तेदार कहते हैं अगर ये आ रहे हैं तो पाँच एक दो घंटे पहले बता दो, हम सामान ऊपर रख दें, मतलब जहां जाने इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ फोड़। तो यू कैन कंसीडर दिस इज अदर बानी आल्सो, यार इसकी सिस्टर छोटी थी ना, कि जहां जाना है एक और दो और जी, ये आज भी ऐसे चलते चलते क्लास, ओ गिर गया, बोल दो नहीं होता तुम बोलो, बोल दो, मैं उसको भी बोल रहा हूँ। अच्छा मैं कोई भी कमी ढूंढता हूँ ना, मेरा माइंड कहता है ऊपर से आवाज आती है यही है। अच्छा मैं तारीफ से बोलने की कोशिश करता हूँ तो मेरा माइंड कहता है इधर ही देखियो, मतलब इग्नोर इग्नोर इग्नोर, क्यों होता है ये? सोडियम रिएक्ट्स विगनेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन बनाएंगे फटाफट। अब इसको कैसे लिखना है, छोटा सा सोडियम विद सोडियम मैं लिख देता हूं, और साथ में इसका ये भी लिखो, साथ में इसकी भी इक्वेशन लिखो सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है ना? इसी तरह कैमरा ऑन कर सकते हैं, इसी तरह कैमरा ऑन कर सकते हैं। सो व्हाट इज द रिएक्शन देयर, उसका नाम SO4 वाले का नाम था, इसने लिखा फिर तूने लिखा, सेविंग तो नहीं की इसने, सेविंग मैंने बोला इसने, मैंने उसमें नहीं बोला। तू लड़के बेटा प्यार से बात कर सकती है ना, did you realize it? इतने ऑफेंड हो के लिए बेटा टीचर हूँ, थोड़ा सा मैं नहीं चाहता मैं तीन चार दिन पहले पहले वाले मूड में पढ़ा हूँ, तो मैं फिर थाम खा थप्पड़ खा ले। सल्फ्यूरिक एसिड करना है, लिख छुपा लो, ये क्या है? ठीक है बैलेंस कर दी, शाबाश, थोड़ा नीटली बैलेंस हो गया। NaCl2 गलत है, NaCl2 कैसे हो गया? क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? वैलेंसी भाई वैलेंस, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं या वैलेंसी कहते हैं? स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, तो वैलेंसी क्या हुई?
क्या बनाया आपने? Na2SO4। अच्छा ओके, 2 क्यों लगाया आगे है? बैलेंस की जरूरत ही नहीं क्योंकि क्यों है? S डबल हो गई यहाँ पे, S तो यहीं की है, यहाँ डबल S तो यहीं की है। Should we move ahead now? NaCl, please कोशिश करो आज से इमीडिएट से ये चीज लिखना शुरू करो। आप लोगों के टेस्ट में मार्क्स कटे इस चीज के, वो पेपर में याद ही नहीं रहता। इन चीजों को लिखने की हैबिट डाल लो, इम्पोर्टेंट है। छित्र खा के जरूरी नहीं है हर चीज करनी है। याद रखना जो लोग सिंसियरली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ना, तो वो कहीं के विजेता बन जाते, कुछ बन जाते। जो सिंसियरली इम्प्रूवमेंट नहीं करते, सिर्फ शो ऑफ करते हैं, उनका हर 2-3 साल बाद लॉन्च होता है कि अब के बार पी एम ये बनेंगे, अब के बार पी एम बनेंगे, और हर बार वो लॉन्च ही होते हैं और लॉन्च होकर क्रैश हो जाते हैं, जैसे राहुल ने। बिकॉज इज नॉट सीरियस, राहुल गांधी जी इज नॉट सीरियस, इज नॉट इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। तो क्या हो रहा है? आप कभी भी देखो इस बार पी एम ये बनेंगे, नई ताकत के साथ आए, पिछले 10-15 साल से बेचारे वो यही कर रहे हैं। तो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, आई एम प्रो बीजेपी, आई हैव द राइट टू गिव माय ओपिनियंस। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, अभी आम आदमी को वोट देके दे, अच्छी बात है, एंड देनी भी चाहिए, क्या बुराई है? सबका हक है सब करोड़पति बने, जरूरी है बीजेपी वाले हर बार करोड़पति बनेंगे? कांग्रेस वाले 50 साल से करोड़पति बन रहे, अब बीजेपी वाले भी बन रहे, अब आम आदमी वाले भी बन रहे, एवरीबडी हैज द राइट। बीमारी तो सबने करनी है, आप बोल दो नहीं हम नहीं करते, बोलो। घर में काम, घर वाले काम बोलते थे, कितनी बार उसमें से बोला 10 रुपए मैं दूंगी, 20 रुपए मैं दूंगा, रिश्वत तो लिए, घर वाले भी देते हैं रिश्वत, बेटा ये काम कर ले तेरे को 50 रुपए मिलेंगे। अच्छा अभी देखो राइट, हम सारे के सारे बेईमान है, मौका मिलना चाहिए मेरे अलावा। सोडियम, अच्छा अब सल्फ्यूरिक एसिड का इट इज क्लियर, मैं थोड़ा इसको फास्ट चलाऊंगा। मैग्नीशियम का रिएक्शन देखिए, इज इट सेम इन द सेम स्पीड एज ऑफ द सोडियम? पोटेशियम का भी था सेम था जैसा सोडियम का बना था, लेकिन मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो इसके ये थोड़ा सा स्लो का वैलेंसी 1 वाला, 1 वाला जल्दी लूज कर सकता है, 2 वाला थोड़ा टाइम लेगा, 3 वाला थोड़ा और टाइम लेगा, तो इसे जिसकी वैलेंसी 2 है वो थोड़ा स्लो जाएगा। उसमें भी एक चीज और देखनी है, 2 वाला कौन सा स्लो होगा? 2 8 2 2 2 2 8 8 लूज कौन करेगा? जो सबसे ज्यादा दूर होगा पॉजिटिव वालों से वो क्या करेगा? तो अगर हम देखें तो मैग्नीशियम कहाँ पे आता है? 20 कैल्शियम आता है, कैल्शियम इससे, हाँ कैल्शियम, कैल्शियम ज्यादा होता है, मैग्नीशियम उसके बाद आता है। अगर हम ऐसे रिएक्टिव डिसीजन ले, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, है ना? तो यदि कैल्शियम ज्यादा थे फिर मैग्नीशियम एंड फिर जो भी है, लॉजिक समझ रहे हो कि किस तरीके से आप इसको सिंक कर सकते हैं कि कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं। अगर हम लर्न ना भी हो तब भी हम लॉजिक सबसे ज्यादा तो 1 वाले होंगे, फिर 2 वाले होंगे, फिर 3 वाले होंगे, लेकिन 2 वालों में सबसे ज्यादा कौन होगा? जिसके सबसे दूर होगा, जो थोड़ा पास होगा उससे कम होगा। 1 वालों का भी ये लॉजिक है, जो सबसे दूर होगा 1 में न्यूक्लियस के वो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन नॉन मेटल्स में इसको उल्टा है, हम देखेंगे। Magnesium reacts quite rapidly with dilute hydrofluoric acid to form magnesium chloride and hydrogen gas. Do you want that we should waste the time in writing the equations? They are just asking you sincerely. Reed, Harshin, Ishika, please respond me. Do we need to write the equations? Ya hum simple likhe, isko kaise likhna hai jo apne assignment karna hai? Assignment kya hai? Yehi assignment hai aapka. Kya hoga? Reactions of metals with acids, right? NaCl, sorry, HCl. पहला सोडियम प्लस HCl, ठीक है, पोटेशियम प्लस HCl, कैल्शियम प्लस HCl,
जो रिएक्टिविटी सीरीज है सब क्या उनके आगे रिएक्टिविटी सीरीज पूरी लिखो, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन, फिर सेम रिएक्टिविटी सीरीज लिखो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन, यू आर डन. This is the way. This is an assignment to you. You can take it as an assignment. यही सब के आपने ऑक्सीजन के बनाने हैं, यही सब के वाटर के बनाने हैं, और ये सब के आपको चैप्टर थ्रू हो जाएगा और साथ में आपका होमवर्क भी हो जाएगा. Got it? Yes, sir. Yes, sir. चलो कोई तो बोला. Okay. Reaction of aluminium with hydrochloric acid or sulfuric acid. अब एल्युमिनियम का रिएक्शन ना इनिशियली स्लो होता है. एल्युमिनियम का रिएक्शन जो होता है व्हाई डज एल्युमिनियम भी अच्छे रिएक्टिव मेटल्स में आता है, व्हाई डज इट इज कंसीडर्ड टू बी स्लो? बेटा इधर देखो, इनिशियली स्लो होता है बाद में फास्ट हो जाता है. उसके हिसाब से तो हमेशा ही स्लो रहेगा, सोडियम और पोटेशियम के हिसाब से तो स्लो रहेगा, लेकिन इनिशियली बहुत स्लो होगा. अगर इसके आप देखेंगे हमने डाला हो उसको, ठीक है ना. तो अभी मैं इसमें होता क्या है, एल्युमिनियम के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. एल्युमिनियम हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बट थिन बट अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ओवर इट व्हिच डू नॉट अलाउ द टू द कोरोजन ऑफ द होल एल्युमिनियम, राइट. वो जब याद होगा जब भी आपने मेटल को एल्युमिनियम मेटल यूज करना होता है तो उसके लिए कहा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल रब इट विद द सैंड पेपर टू ब्रेक आउट द टू रिमूव द एल्युमिनियम ऑक्साइड. सो इनिशियली एल्युमिनियम हैज द एल्युमिनियम ऑक्साइड हियर, सो द रिएक्शन इज स्लो सो दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड फर्स्ट रिएक्ट्स विद एसिड. व्हेन ऑल एल्युमिनियम ऑक्साइड इज रिमूव्ड देन एल्युमिनियम रिएक्ट्स फास्ट विद द एसिड. लॉजिक क्लियर हुआ? सो एल्युमिनियम मेटल फर्स्ट गेट्स स्लोली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ thin and tough layer of aluminium oxide on its surface, but when this layer gets dissolved in acid, the fresh aluminium metal is exposed, which react rapidly. Right? Now see, यहाँ पे reaction देख रहा हूँ. ये this is slow reaction right now happening. जब वो dissolve होगी तो आपने देखा reaction कैसा हुआ acid के साथ? Yes, sir. Now this is the slow reaction right now. What is happening there right now? Why does the reaction is slow? Nishita, na ruko, Aliya. Because aluminium have a thin and tough layer of aluminium oxide on it, and once it is moved, then the reaction. Got it? Concept clear? Yes. Okay. So reaction banana ek baar, jo na hai nahi hai. Anybody who wants this, na mere reaction nahi aata, batao dobara. Equation nahi aa rahi hai. Anybody there? अरे हाँ ही बोल दो. हाँ सर हमें आता है, आगे बढ़ो. YouTube पे लोग मेरे ताने मारेंगे. वैसे देख मेरे देखो हाईएस्ट व्यूज 55 या 104 है, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं. अब ये मैं मेले काम कर रहा था ना, आवाज में चावल खाने जा रहा हूँ, लाखों व्यूज, ओ माय गॉड. और कौन है फुकरा इंसान का फैन? कैरी मियांती का होगा. Oh my God, sorry, I'm offended you. Oh my God. So ये दोनों कैरी मिनाती, right? और जट मिनी कूपर ले ली. जट प्रभजोत ने मिनी कूपर ले ली सर. Congratulations for him. Keep watching his channel so that he will get the more views like from you people and you destroy your career and he is going to get more and more money and he'll soon he is going to take the helicopter because of you guys. Keep watching these guys. सड़क किनारे ना कभी मैं जाता हूँ तो वो देखता हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ओला उबर वाले कभी खाली बैठे होते हैं ना, वो भी ब्लॉग देखते होते बैठे भाई कुछ ना करोगे तो ये काम करोगे ना, देखते रहोगे थोड़ी देर में तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा थोड़ी. ये एंटरटेनमेंट है. मैं अभी जब तुम आए थे ना, कोई आया था पता नहीं किसी ने सुना, आई वाज लिसनिंग द work done by Nikon Tesla. वो power, wireless, electricity किस तरह से दे रहा, किस किस ने उसमें उसने obstruction डाली, ये भी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है. हिस्ट्री देख लो यार, पुरानी हिस्ट्री में क्या होता, लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बनाई हुई है, वो कहानियां देख लो. जरूरी है पागल फुकरे लोगों को देखने तो कुछ ना करें. उसकी हिस्ट्री क्या थी पता है, छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, उसमें टोटल मिला के कहता था कि 10,000 रुपए का सामान नहीं है दुकान पे,
पहली बार उसके वो पैसे इकट्ठे हुए थे 10,000 की, उसने सेकंड हैंड बाइक ली किसी प्रॉपर्टी डीलर से, तिलक नगर के पास रहते हैं, उसकी बाइक लेके उसने उसी पुराने मोबाइल से वीडियोस बनाए। अब मैं देखो क्या रोड पे घूम रहा हूँ, लोग भैया रोड पे घूम रहे हैं। टुडे ही स्पेंडिंग अराउंड 50 लाख रुपीज पर मंथ समवेयर, मैं देखता हूँ हर महीने नई नई गाड़ी, हमें वैसा बनना है समझे। लाखों लोग उसको देख के गए हैं, 3-4 या 10 लोगों का नाम होगा जिसको आप जानते थे ऐसे से सुन रहे हो, नो वे कितने देखते हो फिर ब्लॉगर, बाइक ब्लॉगर डालो 500 दिखते होंगे, सिर्फ 4-5 होंगे जिनके हजारों या लाखों व्यूज है, बाकी 50, 100, 84, 92 मेरे ही देख लो 84 व्यूज है बाइकों के, चाहे मैंने तो एडिटिंग नहीं किया था, मैंने तो ऐसे ही डाल दिए थे। अच्छा अगर ये एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा क्या बनेगा, यू कैन टेल मी ओरली राइट, एनीबडी यू कैन टेल मी, ओके प्लीज ओरली ALSO4 गलत, सल्फ्यूरिक एसिड बोला, अरे लिख के देख ले AL2SO4 गलत, अरे एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या है, लॉजिक भूल गए हो, और सर देखो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, SO4 की वैलेंसी अगर याद नहीं है, SO4 की वैलेंसी याद नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, ये 2 क्यों है, यानी 2 इसके नीचे होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1, हाइड्रोजन तो 1 होती है तो यानी इसकी वैलेंसी क्या है, हम भूल गए फॉर्मूला बनाना, इन चीजों को वर्कली करो स्मार्टली, समझ आ रही है बेटा दृश्य। वो मेरा सही था, खुशी होती है ना, ओके द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम इज लेस ऑब्वियस है, क्यों होगा लेस सर, कम रिएक्टिव, जिंक का कैसा होगा, फास्ट होगा स्लो होगा, इसके पीछे तो है कई वो तो लॉजिक पता है, कोई नेगा सर हम हर बार जो पढ़ रहे हैं स्लो ही पढ़ रहे हैं, फास्ट स्लो स्लो ऑब्वियस है जिंक का राइट, तो जिंक का अपने बनाओ फटाफट मुझे बताओ, या मैं किसी को बोलूंगा स्क्रीन पे बनाएगा, दोनों के साथ Who is going to write on the screen? ठीक है, एक आप लिखो, एक आप लिखो, आओ क्लोरीन के साथ आप लिखेंगे, हाँ सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक इधर इधर ऊपर लिखो, और इसको लिखने के बाद स्क्रीन के सामने आए कर जो भी हो, एंड दिस इक्वेशन इज रिटन बाय फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपको बुला लेता लेकिन बहुत सारा सेटअप खराब हो गया आने वाला बैठी रहे इसलिए पहले आया करो, रिधिमा भी कह रही है लेट हो गया प्रवीण के चक्कर में, कर बनाने की लॉजिक सोच वहां मत देख, ये सोच कि ये बनाना इक्वेशन कैसे बनानी है, जिंक की वैलेंसी क्या है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, देखो एटॉमिक एटॉमिक नंबर याद कर ले वैलेंसी आ जाएगी, बुरा हाल होगा
हमारी पर्सनैलिटी हमारे मार्क्स भी ऐड कर, थोड़ा बहुत तो मार्क्स भी ऐड करते होंगे, बाकी ठीक है वो जैसे मर्जी बॉयज ऐसे ऐसे बाल रखे जो छपरी बॉयज काइंड ऑफ होते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी उसके साथ क्या होती है कि मार्क्स कहते हैं वो भी ऐड कर मैटर करता है थोड़ा बहुत यार है, या उसको हम चंपू बॉयज कहते हैं ऐसा ना ये तो पढ़ाते जाए बता रहा नहीं है, ऐसा तो नहीं है श्योर पक्का। तो थोड़ा सा सोच अपने बारे में, सोच कि मेरे लिए इमेज मेरे माइंड में, देखो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं दूसरे के बारे में क्या इमेज सोचता हूँ वही मेरी इमेज दूसरों के। मैं ना एक बात है जिससे एक गर्ल है तो मुझे पता है ये हार्डवर्किंग नहीं, शी इज स्मार्ट और हार्डवर्क करे तो कर सकती, तो ये मेरी एक इमेज है इसके बारे में, पढ़ाई कर सकती है और ये करेगी, तो यही इमेज ना 90% लोगों की होगी। और अगर कोई बच्चा सपोज करो, मैं माइंड मत करना मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप हो नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सपोज ये लड़का आंसर नहीं करता, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा आंसर नहीं कर रहा, तो आपकी नजर में क्या इमेज होगी सोचिए नलायक, राइट ये इमेज होगी। और मैं भी आंसर नहीं कर रहा और मैं बोल रहा हूँ ये नलायक है, अरे भाई मैं भी तो आंसर नहीं कर रहा, तो मेरी इमेज आप लोगों के आगे क्या होगी नलायक है। पॉइंट समझो, जो हम दूसरों के लिए प्रिस्क्रिप्शन माइंड में रखते हैं वही प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए भी लोग बना रहे हैं, हम खाली दूसरों को अटैक करके डिफेंस नहीं कर सकते, हमारा डिफेंस क्या होना चाहिए इट शुड बी स्ट्रॉन्ग कि कोई बोलने लायक ना हो, हम इस तरह से अपने आप को वर्क हार्ड करें। मैं एग्जांपल इसी का देता हूँ, 8th 9th में इससे बहुत 8th में बहुत चालाकी की एंड इवन शी नोज इट, ठीक है 9th में इसने थोड़े टाइम के बाद इसने जो परफॉर्मेंस चेंज की है, मैं मैम के आगे मैं अपने औरों को एग्जांपल देता हूँ, तो मैं बच्चे का एग्जांपल देता हूँ, द काइंड ऑफ एटीट्यूड शी हैज चेंज टूवर्ड्स फॉर हर स्टडीज एनॉर्मस। हमेशा मैं बोलता हूँ, पहले भी मैंने बोला आज हवा में चढ़ जाएगी मुझे पता है, ठीक है, बट दिस इज अ फैक्ट। सो प्लीज आप अगर कुछ नहीं करोगे वही मेरी सबके लिए आपके माइंड में होगी, मैं नहीं चाहता क्योंकि तुम कैपेबल हो, बाकी तुम्हारे विषय, अब तुम्हें पहले दिन 6 महीने हो गए एटॉमिक नंबर याद नहीं हो रहे, तो मैं आगे क्या तुम्हें करूं, राइट एटॉमिक नंबर इज द बेसिक थिंग्स दैट इज डन ऑन द, दिस हैज बीन डन इन फ्यू टाइम्स कि एटॉमिक नंबर के ऊपर फॉर्मूला मेकिंग 5-7 क्लास हो चुकी है इसके ऊपर अलग अलग बार, और हर महीने में एक क्लास एवरेज हुई होगी इसके ऊपर, हुई ऐसी कई बच्चों ने 2-3 बार भी लिए, जब ये लोग आए तब हुई, फिर ये आया ये हुई, तुम लोग आए तब हुई, स्टार्टिंग में भी हुई, हम कब तक उस चीज को बार बार करते रहे, सेम लेवल के हैं हम लोग, सब सेम लेवल के हैं, अगर वो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो जरूर हमारे में कमी है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, और ये कमी होनी नहीं चाहिए हमारे में, गॉट इट। अब देखो जिस जिसको अब ये कैसे बना तू, मैं फिर समझा देता हूं, जिंक की वैलेंसी टू है, क्लोरीन की 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे खुद बनाए क्या, एंड इट विल फॉर्म ZnCl2, राइट सेम ऐसे इसका वो जिंक की और H2SO4 क्या रही है हम जरा फिर कहां है ठीक है, मैं हम आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर, आयरन का रिएक्शन और स्लो होगा थोड़ा धीरे धीरे जाएगा लेकिन वो भी रिएक्ट होगा, और कॉपर भी रिएक्शन एंड स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, वी आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है ना, ये आयरन के एंड Stop calling me KLS Zebra. Instead learn how copper. How copper? यानी copper hydrogen के नीचे है. Copper क्या कह रहा है? हमसे ना हो पाएगा. Right? वो बेचारा क्या कह रहा है? Does not react with dilute hydrochloric acid. This is clear, guys? Yes, sir. Okay. How does metal displaces hydrogen from acids? ये अभी हमने बात सारी समझा दी है कि some metals have more energy than the hydrogen atoms.
Therefore, they, since they have the very high amount of energy, they forcefully give the their electron to the hydrogen. जबरदस्ती देते हैं. They gives up forcefully, right? प्यार से नहीं लेता हाइड्रोजन, इसलिए सारे मेटल से नहीं कर पाते, थोड़े से मेटल दे पाते हैं, सारे नहीं दे पाते. Got it? Let us, you want to read it? You can read it. Metals which are more reactive lose electron more easily than hydrogen and displace hydrogen from dilute acids to produce hydrogen gas. The more reactive metals give electron easily and these electrons reduce the hydrogen ions to form hydrogen gas. ये बात अभी मैंने पहले भी बताई थी, एसिड स्टार्ट होने से पहले दोबारा हम कर रहे हैं. अब नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं डिस्प्लेस करते? नाइट्रिक एसिड के साथ भी डिस्प्लेस करते हैं, बट डू दे फॉर्म सॉल्ट? नो, क्यों नहीं करते? इसका स्टडी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्कूल में आया था, किसके लिए आया था? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस. बनती है हाइड्रोजन गैस लेकिन वो फिर रिएक्ट होती है, ऐसा नहीं नहीं बनती लेकिन वो लिबरेट नहीं हो पाती. क्या नहीं हो पाती? मतलब हाइड्रोजन गैस बनी वो फिर किसी चीज से रिएक्ट होगी, वो एयर में नहीं आ पाई, इसलिए हमने कहा नहीं बनती. भाई हमारे पास जो चीज आएगी हम उसी को कहेंगे ना बनी है. Because nitric acid is a strong oxidizing agent, so as soon as hydrogen gas is formed in the reaction between metal and nitric acid, the nitric acid oxidizes this nitrogen to concept समझ आया कि देखो अभी आप देखिए. When hydrogen gas is formed, hydrogen gas तो बनेगी, metal ने displace किया उसको, वो hydrogen gas जो हुई अब उसके अंदर सारी nitric acid तो react नहीं हो गया होगा एक साथ, थोड़ा सा हुआ होगा. अब जो हाइड्रोजन गैस बनी, व्हेन मेटल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ कंबाइन विद द हाइड्रोजन गैस, ठीक है, टू एनी अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड, एज कोई भी डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस उसको बना के लिबरेट कर देता है. ये जरूरी नहीं कौन सी गैस बनेगी, कोई भी बन सकती है. दिस इज क्लियर हुआ क्या? दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, सपोज दिस इज नाइट्रिक एसिड, यहां पे भरा हुआ है, मैंने थोड़ा सा इक्वल तो नहीं डालते ना, डाइल्यूट डालते हैं, यानी इतने वो एसिड के अंदर इतना सा क्या होगा मेटल, इतने के अंदर इतना मेटल होगा नाइट्रिक एसिड, राइट. तो मैंने थोड़ा सा मेटल डाला, वो मेटल पूरा तो एक साथ एसिड से रिएक्ट हुआ, थोड़े थोड़े एटम्स हो गए. जैसे 5 एटम्स मेटल के नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट हुए तो 5 हाइड्रोजन निकली होगी, लेकिन लाखों नाइट्रिक एसिड है तो 5 हाइड्रोजन क्या हुई, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होके वाटर भी बना और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन जो भी है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, राइट, ये चीजें बन गई. क्लियर हुई बात? सो दैट इज व्हाई डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बिकॉज व्हेन हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड द दिस हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन इट एंड फॉर्म्स water along with nitrogen dioxide, nitrogen monoxide. This is clear to everybody there, guys? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो. अशीन, रीत. Yes sir. Okay. हाँ जी. आवाज आ रही है. Okay. अच्छा कुछ exception है. Manganese और magnesium और magnesium याद रखना. ये अलग metal है Mn. और electronic series में ना इसको हम magnesium के नीचे डालते हैं. मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में कई जगह पे हम मैग्नीशियम, मैंगनीज और एल्युमिनियम, ये कीप इट इन माइंड, ठीक है. अब देखो कुछ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउ इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड मैंगनीज मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी कि सिर्फ 2 मेटल्स मैग्नीशियम और मैंगनीज बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा तो नाइट्रिक एसिड का कंपाउंड क्या हो गया, बहुत कम हो गया तो कंबाइंड होते हैं, बिकॉज वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक गैस nitrogen gas is weak oxidizing agent which is not able to oxidize hydrogen to water. क्यों नहीं कर पाता? Because very dilute nitrogen nitric acid बहुत dilute है तो acid का content क्या हुआ? बहुत कम हुआ तो वो weak हुआ, hydrogen ions कम है तो वो weak हुआ और वो oxidize नहीं का काम नहीं कर पाता. ये clear हुआ? अच्छा रिधिमा इस पे explain करते हैं एक बार दोबारा, मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा रिधिमा इसको दोबारा से explain करेगी, फिर मैं किसी और को बोलूंगा explain करने के लिए. Keep it in mind, किसी को भी बोल सकते हैं. मैं इसी को explain कर रहा हूँ, फिर देखते डाउट क्लियर होता है. कुछ चीजों को पहले फंडामेंटल रखते हैं. एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब हाइड्रोजन आयंस चेंज हो. नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड.
राइट। जब हमने बहुत और कोई मेटल जब हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं तो वो मेटल्स में जो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है वो इमीडिएट एक दूसरे नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होके फॉर्म्स वाटर एंड अदर थिंग्स राइट। बट व्हेन वी टेक वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी 100 ग्राम वाटर के अंदर 2 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड काइंड ऑफ क्लियर दैट इज अ वेरी वीक एसिड राइट नाउ बिकॉज अमाउंट देखो चीनी जितनी मर्जी मीठी हो मैं एक बाल्टी पानी के अंदर 10 दाने चीनी की डालूंगा तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का कांसेप्ट ये हुआ कि हमने बहुत कम एसिड लिया तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस क्या हुए ज्यादा हुए कम हुए सो इट ऑलवेज बिकम्स वीकर एसिड। तो हम इसको बोलेंगे कैसे व्हेन अ वेरी वीक डाइल्यूटिंग वेरी वीक वेरी डाइल्यूट एसिड इन व्हेन अ मेटल इज एडेड टू वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड बिकॉज इन दिस सिचुएशन द nitric acid is very very weak oxidizing agent due to very less amount of hydrogen ions right therefore the hydrogen gas which forms is not able to a nitric acid is not able to oxidate to form the nitrogen dioxide or nitrogen monoxide concept is clear yes sir aap bolo sir jaise aapne bola ki jo metals magnesium aur manganese hai to very dilute nitric acid क्योंकि खाली ये जो चीजें पढ़ रहे हो ना 11th में आओगे तो वो लगेगा सब बकवास है सब गलत है 11th में नहीं केमिस्ट्री स्टार्ट करता तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ 11th में आपको बोलाएगा टियर इट ऑफ ये कुछ भी नहीं है सब पता नहीं क्यों पढ़ा रहे थैंक यू यही पढ़ाना 11th वाली मैथ साइंस 10th में मत लेना मैं पागल हो जाऊंगा। ओके दैट इज अ वंडरफुल थिंग कि क्लियर नहीं है बोला है कीप इट इन माइंड ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन रेज क्वेश्चंस दैट इज अ गुड थिंग गॉट इट समझ आ गया तो एक्सप्लेन करो क्लास द नाइट्रिक एसिड बहुत कम रहता है अरे मेटल जब नाइट्रिक एसिड में डालना है ये सही था जब मेटल नाइट्रिक एसिड डाल रहा है तो नाइट्रिक एसिड बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन गैस को वो ओके रिधिमा पहले हिंदी में एक्सप्लेन करो तो निश्चित है कि इसको ट्रांसलेट करेंगे। सर जब भी नाइट्रिक एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब वैसे तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है बट जब हम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लेते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो जब वो रिएक्ट करता है सर्लिन मेटल्स के साथ और वो सर्लिन मेटल्स होते हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज तो जब उनके साथ वो रिएक्ट करता है तो हैविंग लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इट डज नॉट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर और कुछ भी कर लो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी होगी नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी लेकिन वो अभी पानी के वो एसिड के अंदर से बुलबुले बन गए बाहर निकलने लगी थी लेकिन नाइट्रिक एसिड जो बाकी पड़ा था उसने उसको पकड़ लिया और उसको ऑक्सीडाइज कर दिया मतलब कि उसको रिड्यूस कर दिया और क्या बना दिया उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया अलोंग विद वाटर यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर आई नहीं जब बाहर नहीं आई तो हमने क्या कहा राइट नहीं समझे अब ये भी बोल सकते हैं सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन निकली तो थी। अब देखो एक बार एक आदमी गुफा में गया गुफा के अंदर बिल्कुल एंड में पहुंचा हुआ शेर था शेर ने उसको पकड़ लिया लड़ाई हुई दोनों में वो छूट के भागा गुफा के बीच रास्ते में पहुंचा और शेर ने पकड़ के उसको मार दिया तो मैं क्या बोलूंगा इंसान को गुफा में मार दिया गया या गुफा से बच गया गुफा में मरा ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई एसिड के अंदर लेकिन रही तो एसिड के अंदर उसको मार मूर के किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट ये एग्जाम्पल ठीक था ये हाँ अब अब ये बात आती है कि सर नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस कम कैसे हो
एक ग्लास पानी लो, उसके अंदर गिन के 10 दाने शुगर के डालो, कृष्ण चीनी डाल दी, तो किसी को दो बोलो कि मीठी है, आस्ते आप खुद ही सोचो विल इट बी स्वीट, बिल्कुल नहीं होगी, या होगी तो बहुत थोड़ी होगी, क्यों? बिकॉज इट इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन। तो नाइट्रिक एसिड अगर मैं डाल रहा हूं पानी में, तो मैंने बहुत सारे पानी में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाला, तो आयन्स तो थोड़े से बनेंगे ना, आयन ज्यादा बनेंगे थोड़े से बनेंगे, जब है ही थोड़ा तो थोड़े से बनेंगे। अब वो थोड़े से आयन जो है वो मेट्रो के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, अब या तो वो मेट्रो के साथ रिएक्ट होंगे या वो पानी में पड़े हुए, अगर एसिड में पानी के अंदर एसिड था पानी में पड़े रहेंगे, अगर पड़े रहते तो हाइड्रोजन को पकड़ लेते, लेकिन है ही थोड़े से। अब उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है भाई, पहले तो मेटल से लड़ रहे हैं, वो मेटल से लड़ने में बिजी हो गए, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अगर और ज्यादा नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड होता तो काफी सारे नाइट्रिक एसिड्स के आयंस क्या होते हैं, पड़े होते हैं, कुछ मेटल से लड़ रहे होते हैं, कुछ हाइड्रोजन गैस को पकड़ के मार रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन दिस काइंड ऑफ वॉर सिचुएशन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड्स और आपने मेटल डाला, कुछ मेटल्स को नाइट्रिक एसिड पकड़ के पीट रहा है या मेटल उनको पीट रहे हैं, और जो हाइड्रोजन निकल रही है उनको बाकी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब है ही थोड़े से तो उनकी मेन कंसर्न इशू क्या होगा, दे नीड टू फाइट विद द मेटल जो इमीडिएट, हाइड्रोजन तो बाद में निकल रहा है, क्लियर हुआ लॉजिक? हाँ, ये उसमें बेस्ड है, और लेकिन सारे मेटल्स नहीं कर पाते, सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम ही कर पाते हैं। यू कैन राइट दिस इक्वेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ है गाइस सबको? थॉरली समझ आ रहा है? उस दिन हमने क्लास की थोड़े दिन पहले केमिकल रिएक्शन की लागू था यही बनाने के लिए, आप फिर भी आए जब हमने एटॉमिक नंबर्स को दोबारा बनाने की कोशिश, कौन आया था वो भी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले, महीने पहले क्लास की थी, हुई थी ना, तब भी नहीं आया था, नहीं तब दोबारा हमने एटॉमिक नंबर और कंसेप्ट किया था, ग्रुप में भी डाला गया था, क्लास हो गई और सुबह हुई थी क्लास 1.5-2 घंटे की। शुड आई मूव इट नाउ? आज की क्लास स्लो क्यों चल रही है? Why does the this class is slow? Did we talk a lot or did we wait for the too much of explanation? जरूरी थी? Equally. ये गोल्ड लाइन देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है 3:1, 3 यानी कि 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये इतना स्ट्रांग है कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर रहा है, देखो एक्वालिटी मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ अगला पार्ट है रिएक्शन विद बेस मेटल्स का बेस के साथ, और फिर उसके बाद हमारा क्या था, सॉल्ट्स है, बेसिस के साथ ही सेम होता है, ठीक है, सॉल्ट्स का होगा और उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स को कैसे छोड़ देंगे, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल, मंडे को क्लास होगी, डिस्कस करते हैं मोमेंट में कि कल क्लास करनी है या नहीं करनी है, फॉर द दिस चैप्टर करना है या सर्कल चैप्टर।